तो भाई आज आप लोग यहाँ पर से बहुत ही मस्त चीज़ देखने के लिए मिलेगा एंड आज आप लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और आप लोग यहाँ पर से कुछ समझ में सीख भी मिलेगा मेरे तरफ से, कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलता है भाई कि मैं जब भी टीम अप करता हूँ आप मेरे को मार क्यों देते हो। तो यहाँ पर आप लोग बहुत मेन फंडा यहाँ पर समझाने वाला, सामने मेरे एक बंदा है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बंदा मेरे टीममेट का दो बंदे को मार चुका है, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में मरा हुआ है बंदा, और एक बंदा यहाँ पर जोन में नॉक हो गया है। तो इस बंदे को मारने के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये बंदा मरने रहा, आप देखना क्या सीन होता है मेरे साथ, बहुत ही मस्त वाला। ये देखो ये बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया, अब बंदा दौड़ के आ रहा, मेरे पास एक सिरिंज था जो कि मैं यहाँ पर से ले रहा हूँ। अब मेरा किस्मत अच्छा था कि ये बंदे को मतलब रिवाइव होने से पहले मैं यहाँ पर से रिवाइव हो गया, मतलब बंदे को यहाँ पर से फायर करने से पहले मैं रिवाइव हो गया। ठीक है, अब ये बंदा सामने से आएगा, देखता हूँ यहाँ पर से क्या होता है मेरे साथ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना भाई, क्योंकि आपको लास्ट में चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा पीछे हो गया और मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्कैलर करेक्टर है, यहाँ पर से स्कैलर का चाबी जो है वो भी खत्म हो चुका है और ग्लू वॉल वगैरह ज़्यादा नहीं, यहाँ पर से बहुत कम है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ बंदे को, क्योंकि बंदा जो है मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, क्योंकि मैं तभी से इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं मार पा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर डैमेज देता हूँ, कितना खतरनाक वाला डैमेज दिया मैं मरने बनने पर, था भाई थोड़ा सा बनने पर एक बंदा मेरे को एक गोली मार देता, मैं यहाँ पर से मर जाता। तो मेरे पास स्कैलर था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर जैसे ग्लोबल डाला, तो मेरे को यहाँ पर मेडिकेट आ गया। ठीक है, अब बंदे को मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ मारने का, तो देखते हैं क्या होता है मैं यहाँ पर से। भाई देखो बंदा भी थोड़ा सा सोच रहा है भाई क्या करे, ये बंदा मर क्यों नहीं रहा। देखो फाइनली यहाँ पर से बंदा नॉक हो गया, अब अभी भी बंदा आप देख पा रहे 15 बंदा अभी भी अलाइव है। आप सोच सकते हो कितना छोटा जोन है, 15 बंदा भाई। ठीक है, अब इसे मैं राइट साइड पर जा रहा हूँ यहाँ पर से, क्योंकि मेरे को जोन लग रहा है उस साइड में बनेगा। तो जो पहाड़ी है भाई नीचे पत्थर जो है, पत्थर के पास मैं यहाँ पर कवर लूँगा। अब बंदे देखना भाई कितना स्पीड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द इजीली धड़ल्ले से बंदे सारा का सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर देखने 11 बंदे बचा हुआ है, तो मैं पत्थर के पास कवर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है जोन इधर बनेगा, बट किस्मत ख़राब से जोन के ऊपर के साइड यहाँ पर से बन चुका है। एंड बंदे यहाँ पर से आप देख पाए 8 बंदे अभी भी अलाइव है, सामने से एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा है भाई, इसको थोड़ा सा देते हैं। ये बंदा भाई यहाँ पर से अंजल लिखा हुआ था, ये बंदा यहाँ पर चला गया। अब बंदा बचा कितना भाई, 6 बंदा बचा हुआ और एक मैं 5। अब 5 बंदा बचा जिसमें से एक मैं 4 वो, यानी कि वो 4 का टीममेट है भाई, या फिर हो सकता है कि 2 बंदा कुछ अलग होगा। अब सिंपल देखना भाई, अब सीन होता है यहाँ पर से खड़ा। तो मेरे को जोन को कवर करना है, इसके वजह से मैं जोन की तरफ दौड़ूंगा यहाँ पर से। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लूट वगैरह कर लिया मैंने, अब सामने की तरफ जा रहा हूँ पेड़ के कवर लेते हुए। तो बंदा मेरे को लगता है फैक्ट्री के साइड में ही है। अब देखो बंदा यहाँ पर से, एक बंदा यहाँ पर से मेरे को दिख गया राइट साइड की तरफ से। ठीक है, बंदे को यहाँ पर आ रहा है, अब इसको भी फायर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई ये बंदा क्या कर रहा है, टीम अप कर रहा है। ठीक है, इसे तीन बंदे यहाँ पर से मेरे को दिख रहा है। अब 2 बंदा कहाँ से छुपा हुआ, 1 बंदा कहाँ छुपा, नहीं पता। अब तीनों बंदा देखो भाई मेरे को यहाँ पर आ गया, मेरे को से टीम अप कर रहा है। ठीक है, अब देखना भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ, क्या सीन करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर टीम अप कर लिया मस्ती से इन लोगों के साथ, कि चलो भाई हो सकता है मेरे को पहचान लिया होगा भाई देख के। लेकिन बंदे ने देखो भाई मेरे साथ क्या गलत कर दिया, देखो भाई ये बंदे ने बहुत ही बड़ा गलती किया जो कि मेरे को नहीं करना था, क्योंकि मेरे को लगा भाई कि ये बंदा जो है मेरे को साथ टीम अप कर रहा है और मेरे को पहचान गया। अब देखो भाई मैं बंदे को यहाँ पर से मारा, मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर से विवेच। ठीक है, विवेच यहाँ पर दिखा रहा है कि बंदे ने एमजी बहन इस बंदे को मारा, तो मेरे को लगा वो बंदा मेरे को पहचानता है, इसके वजह से ये मेरे साथ टीम अप करना चाहता है। ठीक है, इसके वजह से मैंने उसके साथ टीम अप कर लिया, लेकिन उसने क्या किया भाई, धोखा कर लिया। अब बहुत सारे लोग बंदे ऐसे क्या होते हैं कि जो मेरे सामने साथ टीम अप करने के लिए आता है, तो मैं उसको मार देता हूँ। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, छोटा छोटा क्लिप डाल देता है और बोलता भाई कि भी वैसे बंदे के पास इसलिए रुके, इससे कितना एटीट्यूड है कि मैंने इसके साथ टीम अप करने की कोशिश करा बट बंदे ने टीम अप नहीं करा। तो आप खुद सोच सकते हो भाई कि अगर मेरे को टीम अप करने से मेरे को नुकसान हो रहा है, बंदे मेरे को मारे जा रहा है, तो फिर टीम अप करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। इसके वजह से अगर आप लोगों को मैं कभी भी, अगर आप लोग टीम अप करना चाहते हो, चाहे वो लॉन ऑल्फ में होता है या फिर कहीं पर भी होता है, और आप मेरे से टीम अप करोगे तो मैं हो सकता है कि आप लोगों को मार दूंगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर छोटा छोटा क्लिप डाल देता भाई कि एमजी मोर भाई ने यहाँ पर से एटीट्यूड दिखाता है, भीवेज वाला बंदा एटीट्यूड दिखाता है, यहाँ पर से टीम अप करता हूँ, टीम अप नहीं करने देता है, मार देता है बंदे को। तो ये गलत फहमी है भाई, हम लोग भी यहाँ पर मजबूर होते हैं भाई, क्योंकि टीम अप करके बंदे का मार देता बहुत ही ज़्यादा दुख होता है भाई। इसके वजह से, और शायद ही मैंने आप लोगों को कभी मारा हूँ या फिर कभी भी मैं अगर आप लोगों को मैं मारूंगा, तो आप लोग दिल पे मत देना भाई कि एमजी मोर भाई यहाँ पर से ईगो के साथ या फिर घमंड के साथ यहाँ पर से हम लोग को मारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिंपली आप लोगों ने देख लिया मेरे साथ किस तरीके से धोखा हुआ, एंड गाइस आप लोग भी कमेंट बताना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में इतना सही, मुझे वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने दिल से थैंक यू फ्रेंड, अगले वीडियो में।